नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ आज इस मुद्दे को हम लेकर आए हैं वो मुद्दा नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जिसे आज भी अगर याद करें तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते तो कुछ अंदाज़ा लगाइए उस परिवार का क्या जिस परिवार ने अपने घर का चराग अपने घर का ब्रेड अर्नर खोया हो बात करें राजौरी के अल्फा गेट की और बात करें राजौरी के ढांगरी इलाके की दोनों हालातों में दोनों घटनाओं में बेगुनाहों की जान गई है परिवारों की सदस्य की जान गई है एक मां ने अपने पूरा परिवार खोया है और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जो अल्फा गेट के बाहर दो युवकों की जान गई जिसमें एक सुरेंदर कुमार और दूसरा कमल कुमार जो अपने घर में इकलौते ब्रेड अन्ने थे कमाई का जरिया थे जो कमाते थे वो अपनी परिवार का पेट भरते थे और इस घटना में उनकी जान गई थी उसके बाद अगर बात करें रजौरी के डांगरी इलाके में जिस तरह से छात्र उस घटना में आतंकी घटना में सात लोगों की जान गई और साथ ही साथ अन्य घायल हुए वहीं पर दूसरी तरफ बात क्यों हम ये कर रहे हैं ये भी जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था एडवोकेट गौरव सरंगल जी के माध्यम से जो उस परिवार के पास गए जो पहले राजौरी के जो आर्मी अल्फा गेट के बाहर जिनकी जाने गई थी दो युवकों की जिसका नाम सुरिंदर कुमार और कमल कुमार था अब इसमें क्या बात है जो गौर तलब करने वाली है आज परिवार परेशान है आज परिवार गुहार लगा रहा है कि इंसाफ की जाने उनकी भी गई जो ढांगरी आतंकी घटना में गए जाने इनकी भी गई जिनकी अल्फा गेट के बाहर जिनकी मौत हुई तो खुद सोचिए दोनों में आज ये कहा जा रहा परिवार के लिए कि हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है एल जी महोदय ने डांगरी घटना के जितने भी विक्टम थे जिनकी जाने गई उनके लिए दस लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी एक घर के परिवार की सरकारी नौकरी के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ अगर बात करें अल्फा गेट की जो दो लोग जिनकी जान गई सुरेंद्र कुमार और कमल कुमार उनको छः लाख रुपया कुल मिलाकर छः लाख रुपया दिया और उसके बाद आज परिवार ये कह रहा है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं ना हुई क्योंकि वो वीडियो हमने अपलोड किया जबकि सुरेंदर कुमार के परिवार वाले ये कह रहे थे कि हमारे साथ नासाफ़ी हुई है इस पर भी कहीं ना कहीं ये कहेंगे भेदभाव हुआ जानेंगे गौरव सरंगल जी से जो परिवार के बीच में होकर आए गौरव जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया शुक्रिया गौरव जी आप उस परिवार के बीच में होकर आए सुरेंद्र कुमार की बात करें या कमल किशोर पर या आप उस परिवार के बीच में गए हमने देखा वो वीडियो अपलोड की उनके घर के परिवार किस तरह से रो रहे थे और उन्होंने ये कहा कि इस पर भी यहाँ पर भेदभाव किया गया आपको क्या लगता है देखो मैम ये बिल्कुल एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है बिल्कुल एक मैथ की तरह है। दो आंतकी हमले हुए एक सोलह दिसंबर को हुआ और एक एक जनवरी को हुआ सोलह दिसंबर को जो आंतकी हमला हुआ उसमें दो युवकों की मौत होगी सुरेंद्र कुमार और कमर कुमार और एक तरीक को भी एक आंतकी हमला जिसमें सात लोगों की मृत्यु होगी जो सोलह तरीक को जब हमला हुआ पहले तो जो वहाँ के लोकल्स थे उनका यह कहना था कि इनको आर्मी वालों ने मार दिया लेकिन उसके बाद जीओसी है डीसी साहब है एसएसपी साहब है उन्होंने कहा नहीं इनको कोई अननोन अनडेंटिफाइड अन्न, कोई थे उन्होंने मार दिया एक हमला था तो उनको एक एक लाख रुपए वहाँ पर इन्होंने घोषित कर दिया एक लाख रुपए आजकल क्या होता है बड़ा काम होता है इन लोगों ने और प्रोटेस्ट किया जी एक लाख रुपए क्या होता है हमें नौकरी भी चाहिए है, जो दोनों की छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने बाद में पाँच लाख रुपए और करके टोटल उनको लमसम छः लाख रुपये दे दिया उसी के पंद्रह दिन के बाद एक तरीक को घटना होती है सेम अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट आए सेम लेकिन दो तरीक को एल साहब अपने ट्विटर पर लिख देते हैं कि इनको दस दस लाख रुपया ग्रेशिया और एक एक सरकारी नौकरी अब मुद्दा ये हो गया कि जब दोनों घटनाएं अन टेररिस्ट थे दोनों घटनाओं में जान का नुकसान हुआ दोनों घटनाओं में मृत्यु हुई लेकिन जब इनको कंपनसेशन देने की बात आती है तो इनमें अलग अलग पैरामीटर्स क्यों हैं। पैरिटी है अगर उनको छः लाख दिया था तो इनको भी छः लाख देना चाहिए था और अगर उनको नौकरी दी है तो इनको भी नौकरी देनी चाहिए मैं पर्सनली वहाँ मैंने विजिट किया एक्चुअली मुझे एक राजस्थान की न्यूज़पेपर की कटिंग आई कि जम्मू में जातिवाद जीते जी भी जातिवाद है और मरने के बाद भी जातिवाद है जब मैंने वो न्यूज़ कटिंग पढ़ी तो मुझे बड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है मैं अगले दिन ही सुबह उठ के वहाँ उस फैमिली के पास चला गया जानने के लिए कि ये ट्रूथ है ये नहीं है कि हो सकता कि इनको भी दस मिलाओ न्यूज़ में गलत आ रहा हूँ मैंने जब उनसे खुद बात की कहते जी हमें छः लाख रुपए मिला है और सबसे अनफॉर्चुनेट बात उन लोगों ने बोली रो रो के कि डांगरी में जो इंसिडेंट हुआ रविंदर राणा जी एल जी सब लोग वहाँ गए सब पॉलिटिशियन लोकल वहाँ गए लेकिन हमारे घर आज तक कोई नहीं आया पहले व्यक्ति हो जो हमारे घर आए जब सारी ऐसी बातें होती है तो लोगों का विश्वास सरकार से तो ऐसे कम है हमारा जो समाज है हिंदू समाज है इसमें जातिवाद का जो प्रचलन है बड़ी देर से चलता आ रहा है और अगर ऐसी हरकतें एल जी साहब के द्वारा हो या प्रशासन के द्वारा हो कि किसी को छह लाख दे देना किसी को दस लाख दे देना या किसी की मृत्यु पे शोक व्यक्त जी करना जी जी और इनकी मृत्यु को बिल्कुल नजरअंदाज करना जी जी तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम जातिवाद के शिकार हुए हैं गौरव जी एक बात जरूर जाना चाहेंगे देखिए चाहे दस लाख हो चाहे बीस लाख हो चाहे कुछ भी हो चाहे सरकारी नौकरी हो वो घर के सदस्य वापस तो नहीं आएंगे पर सवाल बड़ा यह है कि जहां पर देखा जाए कि परिवार उनका भी है परिवार उनका भी है जाने उनके घर के सदस्यों की भी जाने उनके भी अब सवाल ये है कि आप लोगों ने जो आ, अल्फा गेट के बाहर दो लोगों की जान गई सुरेंदर और कोमल की आप उनके घर में होकर आए उनके हल घर के हालात कैसे हो हमने भी देखो मैं आपको मेरे वीडियो भी वहाँ स्पेशली बनाई उसके बेचारे ने दो कमरे कच्चे थे जो आधे बने थे अभी आधे बनने हैं वो तो बेचारे जमीन पे सो रहे थे एक की दो बेटी दो बेटियाँ एक की एक बेटी है और एक बेटा है और दोनों के बच्चे स्कूल अभी जाना स्टार्ट कर गए थे और मुझे लगता है हार्डली जो उनकी वाइफ है तीस के आसपास होगी क्योंकि उनकी खुद की उम्र ए के थर्टी नाइन बता रहे थे वो और ए के थर्टी एट बता रहे थे बिल्कुल पुअर पीपल रस्टिक विलेजर हैं और उनके घर तक जाने का कोई रास्ता नहीं है उनके जो फादर हैं वो शायद पेंशनर है कहते हैं दस बारह हज़ार मुझे पेंशन आती है मुझे अपनी बहू भी पालनी है इसके दो बच्चे भी पालने हैं अपनी वाइफ भी मुझे पालनी है तो अगर सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तो दे विल डाई स्टारवेशन अगर सरकार उनकी मदद नहीं करेगी उनके दोनों बच्चों को स्कूल में नहीं अगर गारंटी उठाती कि हम इनको पढ़ाएंगे और उनकी वाइफ को नौकरी नहीं देगी तो आप देखना अल्टीमेटली कुछ सालों के बाद वो शी विल डाई बिकॉज ऑफ पॉवर्टी और क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में पांच या छह लाख तो कुछ भी नहीं हम देखो इस, इस पर बेटर था कि अगर जिस तरह से वहां पर सरकारी नौकरी अगर की जाती यहाँ पर भी एक महिला को जो उनकी वाइफ थी उनको सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता शायद बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो जाए देखो बींग एन एडवोकेट मैं बताता हूँ पैरिटी होनी चाहिए हर चीज़ में पैरिटी होनी अगर सेम इंसिडेंस हुआ ऐसा सोलह को सेम हुआ एक को ये तो प्रॉपर्टी डिमांड करती है अगर एल साहब ने उनको दस लाख दिए या उसी ट्वीट में एल साहब उनका भी मैंशन कर देते अगर एल साहब व्यस्त रहते हैं वो हर चीज़ की किसी को बधाई दे रहे हैं किसी का शोक प्रकट कर रहे हैं उनका टाइम नहीं था तो दो तरीक को जो उन्होंने ट्वीट किया उसी ट्वीट में वो उसका मेंशन भी कर भेदभाव को ये जरूर जहाँ हम इसको जात पात से नहीं जोड़ेंगे गौरव जी क्योंकि हमारा काम है खबर को लोगों तक सही जानकारी लाना जात पातों के दायरे में हम नहीं रहते ना हम ये चीज़ें करना चाहते हैं पर आखिर क्यों इस तरह का भेदभाव हो रहा है ये भी जानने का प्रयास करेंगे तो आ, मैं खुद बड़ा सरप्राइज हूँ कि एल साहब या जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये सब एक आला अफसर होते हैं आई एस अफसर जो डी सी साहब है वाई एस अफसर है, या एल जी साहब है ख़ुद पुराने पॉलिटिशियन है लेकिन कहीं ना कहीं देखो समाज में जो गरीब लोग हैं जो अनपढ़ लोग हैं जिन लोगों को समझ नहीं है वो इसको एक कास्ट का एंगल दे रहे हैं इनफैक्ट मुझे इतने सारे मैसेज आ गए कि भाई जम्मू कश्मीर में ये क्या हो रहा है जाति विशेष के आधार पे ये कम्पनीशन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर एक नॉर्मल आप इसको कास्ट से अलग करके देखें तो आपको लगेगा कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है अब ये एलजी साहब बता सकते हैं कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि देखिए गौरव जी ये देखिए गौगरी आप भी एक आ, मतलब व्यक्तिगत रूप से सोचिए जो लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जी ये जाति तौर पर इनके साथ गलत हुआ जाति को लेकर हुआ है तो वो लोग सिर्फ बातों तक ही क्यों है वो क्यों लोग क्यों नहीं पहुंचे जैसे आप पहुंचे थे बाकी लोग क्यों नहीं पहुंचे अगर वाकई वो हमदर्दी कर रहे हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता जात पात को छोड़कर आप जाते ना उनके अधिकार के लिए उनके घर पर जैसे आप पहुंचे थे बिल्कुल ही आपकी बात सही है कि आज तक ये जैसे मुझे मैसेज दिया है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी ये बात मालूम है कि जो वहाँ के लोग हैं वो परेशान है कि ये कास्ट एंगल ले रहे हैं देखो पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन को वोट बैंक यानी या किसी की जानों नहीं है और जहां वो गए शायद उनको मालूम था कि हमारा वोट बैंक है लेकिन हम लोग बींग एजुकेटेड पर्सन ऑफ सोसाइटी हमें इससे आगे निकलना है मैं भी पॉलिटिशियन हूँ लेकिन जब समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो इनक्वालिटी हो तो हम सबको जैसे आपने मैंने आपसे बात की कि, कि कवरेज करना आप बिल्कुल दो मिनट में रेडी होगी क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी खत्म होना हो 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 चाहिए बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए बड़े कम मीडिया चैनल में बताऊं मैं आपके चैनल को मुबारकबाद भी देता हूँ कंग्रेचुलेशन भी देता हूँ हम देखते रहते हैं आपके चैनल आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से जहां आपको मौका मिलता आप डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जरूर आप उसको कवरेज करते हो तो या तो हमारे मीडिया चैनल ऐसे हैं जो कवरेज ही नहीं करते हैं और कुछ मीडिया चैनल तो ऐसे हैं मैं खुद मेरे से पर्सनल आई कि मैंने एक उनको ये दी बाइट लेकिन उन्हें वो डाले नहीं कहते थे हमारे जो मालिक साहब थे वो कहते हैं इसमें आपने गवर्नमेंट के खिलाफ ज़्यादा बोल दी ये नहीं हम डालेंगे तो ये बड़ा अफसोस है कि सदी में भी अगर हमें ये डिस्कस करना पड़े की दो व्यक्तियों को उत्तर तो तो देश, देश में गवर्नमेंट के खिलाफ क्या किसी के खिलाफ भी बोलने का अधिकार है देखो, होती जनता के लिए मैं इस इंटरव्यू में थोड़ा पॉलिटिक्स के लिए कहना नहीं चाहता लेकिन ये तो बीजेपी से तो टोटल फेलियर जो एल जी एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है यह हर कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो महंगाई की बात करो तो बिजली नहीं है पानी नहीं है ये एक्सीडेंट्स के आप देख लो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं जम्मू में सिद्रा में टैर अटैक हो गए रजौरी में दो टैरर अटैक हो गए हमारे नगरोटा में टेर अटैक हो गया ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं था आज तक कि जम्मू भी ऐसा आता ही बोल गया इनफैक्ट जब मैं इनके घर गया तो उसकी वाइफ मुझे कहती है कि रात को दस बजे हम बाहर नहीं निकलते हैं हमें डर लगता है कि शायद फिर से कोई टैरर अटैक ना हो जाए क्योंकि उनके घर का व्यक्ति मरा है टैर अटैक में तो मैं आपके माध्यम से यही एडमिनिस्ट्रेशन बचाना चाहता हूँ कि उनके साथ बिल्कुल एक जस्टिस होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कल को उनका कॉन्फिडेंस भी समाज में आप जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं कानूनी दाव पेच भी जानते हैं एक चीज़ भाजपा भी लगातार बोलती थी कि धारा 370 सौ सत्तर रोड़ा है जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए और धारा 370 ही की वजह से ये गोलियां जो उठाई जाती हैं जो आतंकवाद बढ़ा है पर अब तो एब्रोगेशन भी हो गया उसके बावजूद लगातार टारगेट किलिंग हो रही है तो क्या क्या वो दावा जो कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि धारा तीन सौ आतंक का कोई भी मेल नहीं है कोई कोई नहीं है देखो एल जी साहब कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है अब देखो जो एस सी एम्प्लॉज़ हैं वो रोड पे बैठे हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स इंप्लाये वो रोड पे बैठे हैं अब जम्मू में आंत के हमले हो गए हैं ये मीडिया में कुछ और दिखाते हैं न्यूज़पेपर में कुछ और छापते हैं लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी देख लो कितने टेरर अटैक पिछले पाँच छः महीने में हो गए हैं देखो इसमें आपको एक समाज की तरक्की के लिए जो हमारा पॉलिटिक्स है उसकी एक ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए ऐसी विल होनी चाहिए कि वो समाज में सुधार करना चाहते हैं पर भाजपा का मुद्दा समाज नहीं है भाजपा का मुद्दा है वोट लेना अगली बार फिर उनको पावर में आना क्योंकि ये पावर के हंगरी लोग हैं ये समाज की भलाई चाहते है नहीं है आप सिर्फ एल की इस हरकत से देख लो दो व्यक्ति की मृत्यु हुई उनके बारे में कोई कमेंट नहीं किया पंद्रह दिन के बाद हुई एक अलग जाति विशेष की उनके लिए कमेंट भी कर दिया दस लाख भी दे दिए और नौकरी भी दी बिना मांगे इन लोगों ने प्रोटेस्ट किए वहाँ पर धरने लगाए तब जाके इनको छः लाख में मिला अगर एल साहब की तरफ से ऐसी हरकतें होंगी तो इन लोगों का क्या विश्वास बनेगा ये डेमो दिस इज फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हमारे जम्मू कश्मीर में इस टाइम है आप ना जाते तो सुरेंद्र कुमार की या फिर कहेंगे कमल कुमार की घर की जो परिवार की स्थिति है वो शायद सामने न आती अगर आप ना जाते क्योंकि किसी को हमने देखा नहीं मांग गए गए बिल्कुल बिल्कुल मैं खुद भी देखो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे वो कटिंग भेजी नहीं तो शायद मुझे भी इस बात का मालूम नहीं चलता कि वहाँ किसी की डेथ भी हुई है और उनकी कास्ट है या कास्ट एंगल क्या है तो इसलिए ये बेचारे वो अंधकार में जी रहे हैं और उनके घर में सच में लाइट लाइट का प्रबंध भी नहीं था क्योंकि मैं वहाँ से जाते जाते थोड़ा लेट हो गया तो वहाँ छः बजे अंधेरा था बिल्कुल ना उनके घर लाइट है ना खाने को रोटी है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे समाज में इक्कीसवीं सदी में भी ऐसा हो रहा है और सरकार जो वेलफेयर स्कीम्स की बात करती है गरीबों की मदद की बात करती है ये गरीबों के दुश्मन है ये सिर्फ अपने पेट भरना को आता है अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं दूसरों के बच्चों के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं धन्यवाद गौरव जी हमारे साथ जुड़ने से ये थे हमारे साथ एडवोकेट गौरव सरंगल जी जो उस परिवार तक पहुँचे शायद ही कोई पहुँचा हो अभी तक हमने तो ऐसा कुछ बयान नहीं देखा और जिस तरह से सुरेंद्र कुमार और आ, कमल कुमार की परिवार का जो स्थिति इन्होंने सामने लाई हम तो इनका शुक्रिया करते हैं कि कम से कम इन्होंने एक पहल तो गई जो अगर रजौरी के ढांगरी में हादसा हुआ वाकई वो कहीं ना कहीं शर्मनाक और दर्दनाक हादसा था शर्मनाक उनके लिए जिन्होंने कायराना हरकत की और इसी तरह सेम अगर बात करें तो सुरेंद्र कुमार और कमल कुमार पर भी जिस तरह से जिनकी जानें ली गई वो भी एक कायराना हरकत थी और शर्मनाक और दर्दनाक हरकत थी क्योंकि वही व्यक्ति जानता उसका परिवार जानता जिन्होंने अपने घर का सदस्य खोया हो कोई भी पैसा कोई भी कंपनसेशन कोई भी नौकरी वो परिवार के सदस्य को वापस नहीं ला सकती पर जीना तो जिंदगी का नाम है जनाब जीना तो है ज़िंदगी तो, तो गुजार नहीं है अगर आप लोग डांगरी में हुए हादसे के विक्टम परिवार के लिए नौकरी की घोषणा करते हैं क्योंकि आज के दौर में नौकरी ही इंसान के आखिरी वक्त का सहारा बनती है तो खुद सोचिए जिनके परिवार में कमाने वाले ही सुरिंदर और कमल थे आज वो परिवार आंखों से आंसू निकाल रहा है कि उनके साथ भेदभाव किया गया है एल जी महोदय आपसे भी हम निवेदन करते हैं रविंदर राणा जी अगर आप वहाँ तक पहुँच सके थे तो वो परिवारों ने भी अपने घर के सदस्य खोए थे अनजान गोली से कौन थे वो आतंकी थे कौन थे अभी तक फिलहाल उसका खुलासा नहीं हुआ पहले तो आर्मी पर इल्ज़ाम लगाए गए उसके बाद कहा गया ये भी जी अनआइडेंटिफाई आइडेंटिफाई गन मैंने इनकी जान ली है तो फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों जाने तो दोनों दोनों हादसों में गई दोनों घटनाओं में गई है कायराना हरकत के दोनों शिकार हुए तो फिर ये भेदभाव क्यों यानी परिवार के उनकी भी सदस्यों को अगर एक एक नौकरी की घोषणा की जाती कम से कम जो आगे बच्चे थे सुरेंद्र और कमल के कम से कम उनकी ज़िंदगी का तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि अच्छी जिंदगी गुजरती उनको अच्छी परवरिश दे पाते तो आखिर आज उनके परिवार के सदस्य आज रो रो ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी भी ड्यूटी बनती है अपने चैनल के माध्यम से गौरव जी के द्वारा उनके परिवार की बात को यहाँ की लीडरशिप तक और यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना जो हमारा कर्तव्य है चाहे कोई भी गलत किसी के साथ भी हो हमारा काम है उस गलत को सामने लेकर आना कि अगर किसी के साथ भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि भी खोए है, भी खोए है। वो दुखम बांट नहीं सकते मत छिड़की कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि वीडियो एल जी तक पहुंचे और सुरेंद्र कुमार और कमल कुमार के जो परिवार की जो समय हालात है कम से कम उनका जायजा लें रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए हिंद जय भारत